वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए आपकी डिमांड पर लॉन्ग आंसर कैसे लिखते हैं। कई स्टूडेंट्स बार बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं, सर हमें लॉन्ग आंसर की तैयारी करवाइए, वो कैसे हमें लिखना है, क्योंकि हम कंटिन्यू आपके लिए जो एमसीक्यूज हैं और 10 to 20 वर्ड्स हैं, 30 to 40 वर्ड्स हैं, उनकी तैयारी करवा रहे हैं। लेकिन लॉन्ग आंसर की तैयारी का वीडियो आज मैं पहली बार आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें आपको बनाना है कैसे बनाते हैं। बात वही है, आज मैंने आपके कैरेक्टर स्केच ऑफ सदाउल का आपके लिए लिया है द एनिमी से, और इसका आंसर आपको कैसे लिखना है आज हम ये सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो घूम फिर कर बात वही आ जाती है कि ये जो चैप्टर है द एनिमी, इसमें हुआ क्या है, इसकी मोटी मोटी एक बार आपको आइडिया होना जरूरी है कि हुआ क्या है, क्योंकि उसके बिना आप ना तो सदाव का कैरेक्टर लिख सकते, ना ही आप हाना का कैरेक्टर लिख सकते। आप कोई भी कैरेक्टर तब लिखेंगे, आज रामायण का उदाहरण ले, आप रामायण के बारे में राम का कैरेक्टर कब लिखेंगे या सीता का कैरेक्टर आप कब लिखेंगे, जब आपको उस रामायण के बारे में पता होगा। उसी प्रकार से इसमें भी आपको उसका कम से कम हिंदी में तो ध्यान होना चाहिए। अब बात आती है, जिन बच्चों को याद है उनको मैं समझा रहा हूं, और जिनको पता नहीं है शायद वो इस कहानी को पढ़े फिर इस चीज को और अच्छे से उन्हें समझ में आएगा। कैरेक्टर स्केच जब हम किसी का लिखते हैं तो अधिकतर कैरेक्टर स्केच प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। पहली बात तो पास्ट में बहुत कम लिखते हैं कैरेक्टर स्केच, लेकिन अगर पास्ट में भी लिख दिया तो कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं हो जाएगा, मार्क्स उसमें भी मिलेंगे। कैरेक्टर स्केच यानी चरित्र। अब चरित्र की शुरुआत उस कैरेक्टर के जो आपके पास पात्र दिया है वहां से करते हैं, कि वो कैसा व्यक्ति है कैसा व्यक्ति नहीं है वहां से करते हैं। अब हम आंसर लिखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप। अब सबको पता है कि सदाव कौन था, एक डॉक्टर था, ठीक है, ये तो सबको पता है। प्रेजेंट टेंस में इज लगाकर हर बच्चा लिख देगा, और कहाँ का था, जापान का था, हर व्यक्ति लिख देगा। अब यहां पर हम डॉक्टर भी लगा सकते हैं, डॉक्टर सदाओ यहां पर आप लिख सकते हैं, वॉज भी लिख सकते हैं, लेकिन वॉज लिखोगे तो पूरा पास्ट में लिखना है, इज लिखोगे तो प्रेजेंट में लिखना है। मान लीजिए आप इज लिख दिया हमने, डॉक्टर सदाओ इज अ ट्रू डॉक्टर, एक सच्चा डॉक्टर है, एक सच्चा डॉक्टर है, सब बच्चा लिख देगा इज अ ट्रू डॉक्टर। वो जापानी, जब इंडिया को इंडियन कहते हैं तो जापानी को जापानीज कहते हैं, ही इज जापानीज, वो जापानीज यानी जापान का है। अब जिसको छोटे छोटे आंसर पता है, जो हमने एक एक सिंगल लाइन के याद किए, 2 लाइन्स के, 10 to 20 वर्ड्स, वो यहां बहुत काम आएंगे, आपको आगे बढ़ना है। वो सदाओ एक सच्चा डॉक्टर है, वो जापानी है, बस आपको जो घटना हो इसको शॉर्ट में लिखना है, वो कैरेक्टर स्केच है। अब ये बात हमने लिख दी, अब हम चाहें तो और आगे बढ़ सकते हैं, जैसे वह दयालु व्यक्ति, हर बच्चा लिख सकता है, दयालु को काइंड कहते हैं, तो यहां पर हर बच्चा लिख देगा ही इज अ काइंड मैन, लिख दो पर्सन, लिख दो जो भी आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो, ही इज अ काइंड पर्सन, वो बहुत दयालु व्यक्ति है, वो उसके दुश्मन की जान बचाता है। जान बचाना, सेव करना सब जानते हैं, और दुश्मन की वो तो पाठ का नाम ब्रैकेट में आएगा द एनिमी, तो आप सब लिख सकते हैं ही सेव्स हिज एनिमी, वो उसकी सैनिक की जान बचाता है। इसमें बहुत रिस्क है पर वो रिस्क लेता है, इट इज वेरी रिस्की, ये बहुत रिस्की है, बट ही टेक्स रिस्क, बट लेकिन ही टेक्स रिस्क, वो खतरा लेता है। रिस्क याद नहीं आए तो डेंजर भी लिख सकते हैं, वो खतरा लेता है। वह मानवता को देश से ऊपर रखता है, अब हर बच्चा जानता है मानवता को ह्यूमैनिटी कहते हैं, और देश
को क्या कहते हैं, कंट्री कहते हैं। ऊपर को क्या बोलते हैं, एक सीधा सा मीनिंग है ओवर। रखना, अभी मैं आपको समझाता हूं रखना कैसे लिखेंगे। ही वह, अब रखना को क्या कर कैसे लिखेंगे, वह रखता है। ही हैज, हैज ही लिख दो, और कुछ नहीं आता है तो ही हैज ही लिख दो। ही हैज, और अगर कुछ नहीं आता है तो बिलीव्स तो लिख सकते हैं। ही बिलीव्स, वो मानता है। ही बिलीव्स, वो मानता है, वो सोचता है। वो थिंग्स, बिलीव्स नहीं तो थिंग्स लिख दो, वो मानता है, वो सोचता है, थिंग्स लिख दो, जो मन में आ जाए। बस हमें बताना है कि वो क्या सोचता है, क्या मानता है। ही थिंग्स लिख दिया मान लो हमने, ही थिंग्स ह्यूमैनिटी, मानवता को, या बिलीव्स, ही थिंग्स बिलीव्स ह्यूमैनिटी ओवर किसके ऊपर, कंट्री, देश के ऊपर वो मानवता को रखता है। और एक मैंने आपको बताया था हैज, ही हैज, बिलीव्स, थिंग्स, जो याद आ जाए, ह्यूमैनिटी ओवर कंट्री, देश के ऊपर मानवता को रखता है। वो क्या करता है, उसका ऑपरेशन करता है, घायल सैनिक का ऑपरेशन को ऑपरेट करना कहते हैं। ही ऑपरेट्स, ही ऑपरेट्स द एनिमी सोल्जर, दुश्मन सैनिक को, वाउंडेड, घायल, वाउंडेड हर आदमी लिख सकता है, वाउंडेड। ही ऑपरेट्स द वाउंडेड एनिमी सोल्जर, वो दुश्मन सैनिक की क्या करता है, ऑपरेशन करता है। अब उसकी पत्नी भी इसमें उसका साथ देती है, हिज वाइफ, हिज वाइफ लिख दिया, उसकी पत्नी साथ देती है, हेल्प लिख दो, सपोर्ट लिख दो, जो याद आ जाए। हिज वाइफ, अगर नाम याद आ जाए तो हाँ ना और लिख दो, हिज वाइफ हाँ ना भी आल्सो सपोर्ट्स, सपोर्ट्स लिख दो, सपोर्ट्स याद नहीं आए तो हेल्प्स लिख दो, हेल्प्स हिम, उसकी पत्नी भी उसकी मदद करती है, सपोर्ट करती है। नौकर इसके खिलाफ रहते हैं कि दुश्मन को शरण दे दी, तो खिलाफ रहना को अगेंस्ट सब जानते हैं, नौकरों को द सर्वेंट्स कहते हैं। अगर यूमी याद आ जाए तो बहुत अच्छा, यूमी नौकरानी थी, नहीं याद आए तो नौकरी लिख दो, द सर्वेंट्स नौकर, द सर्वेंट्स। अब खिलाफ थे, मान लीजिए खिलाफ हैं या खिलाफ थे, तो वर, वर लिख दिया आपने, वर भी लिख सकते हो पास्ट में, क्योंकि वो छोड़कर चले गए थे तो आप वर भी लिख सकते हो, द सर्वेंट्स वर, या फिर आर भी लिख सकते हो, आर खिलाफ हो जाते हैं, है ना, द सर्वेंट्स वर आर अगेंस्ट, अगेंस्ट, अगेंस्ट इसके, इटी लिख दो, इसके खिलाफ हो जाते हैं, किसके, इस दुश्मन से निकोशरण देने के। और जो ज्यादा बहुत अच्छा लिख सकता है वो इट ना लिखे, और आगे बढ़ा दे, द सर्वेंट्स वर अगेंस्ट इट हटाया टू गिव शेल्टर टू एन एनिमी, दुश्मन को शरण देने के खिलाफ थे, नहीं तो कमजोर बचा इट लिख दे, और लिखना चाहे तो द सर्वेंट्स आर या वर अगेंस्ट टू गिव शेल्टर, शरण देना वो कहते हैं टू गिव शेल्टर, टू गिव शेल्टर लिख दे, एस एच ई एल टी आर, टू गिव शेल्टर टू एन एनिमी सोल्जर, एक दुश्मन सैनिक को शरण देने के खिलाफ रहते हैं, वे घर छोड़कर चले जाते हैं नाराजगी में, वे नाराज हो जाते हैं, खिलाफ है तो दे, सब लिख देंगे, आर एंग्री या वर एंग्री, पास्ट में लिखो तो वे नाराज हो गए, सब लिख देंगे, दे वर एंग्री, वे नाराज हो गए, दे घर छोड़कर चले गए, लीव लेफ्ट, लेफ्ट करना चले जाना, दे लेफ्ट द हाउस, वो घर छोड़कर चले गए, लेकिन डॉक्टर सदाव इस चीज की परवाह नहीं करता है। अब हर स्टूडेंट जानता है परवाह करने को केयर करना बोलते हैं, और नहीं करता है प्रेजेंट में, डज नॉट केयर, तो आप लिख सकते हैं डॉक्टर सदाव
डॉक्टर सदाव डज नॉट केयर फॉर इट, वो इसकी कोई चिंता नहीं करता है। फॉर इट याद आ जाए तो बहुत अच्छा, फॉर इट नहीं आए अबाउट इट आ जाए, इसके बारे में जो लिख दो आपने लिख दिया, ये बड़ी बात है। डॉक्टर सदाव इस बात की चिंता नहीं करता है और वो दुश्मन सैनिक को भागने में भी मदद करता है, भगाने में भी मदद करता है। तो भगाना रन हर बच्चा जानता है, रन मदद करना हेल्पर बच्चा जानता है, लिखना कैसे समझ लेते हैं। डॉक्टर सदाओ हेल्प्स, सब लिख देंगे, हर बच्चा लिख देगा, मदद करता है किसकी, द एनिमी सोल्जर, दुश्मन सैनिक की, द एनिमी सोल्जर, द एनिमी सोल्जर दुश्मन सैनिक की। टू रन अवे भागने में, टू रन अवे भागने में मदद करता है, वो दुश्मन सैनिक की भागने में भी मदद करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डॉक्टर सदाओ क्या है, एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, गुड पर्सन तो हर कोई लिख सकता है। सो वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं डेट की डॉक्टर सदाओ इज वेरी, कैसा व्यक्ति है, दयालु आपने लिख दिया, ट्रू आपने लिख दिया, तो आप गुड पर्सन लिख सकते हो, नाइस पर्सन लिख सकते हो, ईमानदार पर्सन लिख सकते हो। सदा इज वेरी ऑनेस्ट, ईमानदार, एंड और वापस चाहो तो दयालु लिख दो, काइंड पर्सन, बहुत ही ईमानदार और दयालु पर्सन है, और आपने लिख दिया। अब बताओ जिसको कुछ भी याद नहीं है, हिंदी याद है, वो ऐसा तो लिखकर आ गया कि उसको कुछ ना कुछ मार्क्स तो जरूरी मिल जाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से वर्ड लिमिट हमने कंप्लीट कर ली है। इसी तरह मैं आपको सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की भी तैयारी करवाऊंगा। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स थैंक यू।